स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रियल 88 और आप देख रहे हैं रियल वीलॉग्स। और आज का एपिसोड स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ वैक्सीन की फर्स्ट डोज लेने और वो डोज मुझे मिलने वाली है मुंबई में जो कि है वॉकआउट हॉस्पिटल में। और स्पेशली मैं इसी दिन के लिए रुका था क्योंकि मुझे लेनी थी डोज स्पुटनिक वी की और जो कि मिल नहीं रही थी, जो कि कोविन वेबसाइट पर अवेलेबल ही नहीं थी। सो आज फाइनली मुझे वो मिल गया है और आज मैं जा रहा हूँ वो डोज लेने और रास्ते में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो चलते हैं, स्टे ट्यून रहिए, पूरी वीडियो को एंड तक देखिए और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय। सो फाइनली इट्स 11:20 और मैं पहुंच गया वॉकआउट हॉस्पिटल। मेरे सामने यहां पर है, आप देख सकते हैं। अभी वहाँ जा करके देखते हैं क्या है, कैसे वैक्सीन लेनी है और कैसे वैक्सीन वगैरह लेते हैं हम लोग, देखते हैं। स्पुटनिक की वैक्सीन के लिए इतना दूर आना पड़ा बिकॉज स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट प्लीज़ कुछ करो, नहीं तो पास में स्लॉट्स की जगह इतना दूर दूर आना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं और लेते हैं वैक्सीन। एक्सपीरियंस मेरा कोरोना की वैक्सीन को लेकर के, सो द फर्स्ट डोज जो स्पुटनिक का मुझे चाहिए था वो मिल गया। अभी सेकंड डोज के लिए जैसे कि वो कॉल करेंगे 21 डेज़ के बाद। अगर आपको 21 डेज़ में नहीं लेना है तो आप 90 डेज़ तक भी ले सकते हैं, जैसे कोई ट्रैवल कर रहा हो या कोई किसी को सेकेंड या थर्ड डोज के लिए, सॉरी सेकेंड डोज के लिए अगर उसे टाइम चाहिए, ठीक है, तो वो ले सकता है। पर आपको पेमेंट वन शॉट में करनी है दोनों डोज़ की और उसी के साथ में जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी तो फिर आपको जो है वो डोसेस फर्स्ट डोज दे देंगे और सेकेंड डोज के लिए बुला लेंगे। ना मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये गलत लगी कि यहाँ पे लाइंस बहुत थी। पेमेंट जो था वो आप ऑनलाइन ले सकते थे आज की तारीख में जो कि 2021 है, और आपको उसके लिए भी इतना वेट करना पड़ रहा है, लाइन लगानी पड़ी सिर्फ पेमेंट देने के लिए, क्योंकि पेमेंट देने के बाद सिर्फ 5 मिनट्स का काम है। वहाँ पे आपको दो नर्स होती है, वो फटाक से आपको जो है पूछती है राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो और उसके हिसाब से दे जस्ट प्रोवाइड यू जैब, बिकॉज उनको पता है कि हाथ थोड़ा दर्द होता है, सो दैट्स वाई आफ्टर टेकिंग अ जैब। सो वो चीज़ है। और आधा घंटे के लिए एग्जामाइन करते हैं कि बंदे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, जैसे कि डिजीनेस वगैरह या मतलब वोमिट वगैरह या कुछ चीज़ ऐसा रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, उस हिसाब से दे विल जस्ट टेस्ट एंड चेक। सो मेरे हिसाब से ये था। अपना पॉइंट इज दैट पीपल विल आस्क मी व्हाई आई टुक स्पुटनिक इज बिकॉज मुझे नेक्स्ट डोज 21 डेज में चाहिए था एंड सिंस इट्स अ रशियन टेक्नोलॉजी, ओके, तो मैंने तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, कोविन कोवैक्सिन कोविशील्ड और स्पुटनिक के बारे में। सो मुझे स्पुटनिक की जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा बेहतर लगी एज़ कम्पेयर टू कोविशील्ड, बिकॉज कोविशील्ड में सिर्फ जो प्रोटीन्स होता है, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन, उसके ऊपर बेस बना हुआ है। हाउएवर कोवैक्सिन इज़ गुड, ओके, मुझे वो भी ठीक लगा कोवैक्सिन, बट वॉट आई हैव सीन इज़ कोवैक्सिन का भी स्लॉट मुझे नहीं मिल रहा था एंड वेयर कोवैक्सिन इज़ मोर कॉस्टलियर देन द स्पुटनिक वी। सो आई थॉट उसका रीज़न ये कि उनकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, बट सो आई थॉट कि वाई डोंट आई गो फॉर स्पुटनिक वी, है ना, और आई गेट अ नेक्स्ट डोज इन 21 डेज, सो मेरे दोनों डोज हो जाएंगे। अब फ़ायदा ये होता है दोनों डोज होने का कि सबसे पहला तो अगर आपको एयरप्लेन में वगैरह में ट्रैवल करना है, ठीक है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, वो काम आता है, ठीक है। इंटरनेशनल इन द सेंस आपको क्वारंटाइन वगैरह कोई कोई जगह पे नहीं होना पड़ेगा, डोमेस्टिक में तो ऑब्वियसली नहीं होना पड़ेगा, इट विल हेल्प यू। सेकेंड थिंग, अगर आपको लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आज की तारीख में अगर आपको मॉल्स जाना है तो आपको 2 डोज वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। देन इफ़ यू वॉन्टेड टू विजिट योर ऑफिस, देन अगेन इट्स अ चैलेंज। तो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं ऑफिस में नहीं लेंगे, सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
तो इसके लिए आपका वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से 2 डोज हो, ऐसा इतना वेट ना करना पड़े। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टार्टिंग में जो कोविडशील्ड का जो सेकेंड डोज था वो बहुत ही जल्दी था, इट्स अराउंड लाइक 4 वीक्स और 6 वीक्स। बट व्हेन दे सी कि देर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग द वैक्सीन, ठीक है, सो जो उनका जो स्लॉट्स है वो उनको मिल नहीं रहा था, तो नए लोगों को भी एक डोज वैक्सीनेट करना है, तो उस वजह से व्हाट दे ट्राइड इज दे उन्होंने 3 महीने का वो गैप डाल दिया। ओके, विच इज़ समवेयर गुड, बट क्या होता है, हर एक चीज़ की एक पीरियड होती है। ओके, कि उतने में आप जितने जल्दी लो उतने जल्दी कारगर होना चाहिए एंड ऑल, मेरा ये मानना है। ओके, सो जैसे एग्जांपल, इफ आई गिव यू अच्छा सा एग्जांपल, अगर आपने रिसेंटली पढ़ाई की है और रिसेंटली एग्ज़ाम दोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। जैसे आपने प्रीलियम्स दिया है और आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो तो ज़्यादा गैप नहीं होता है प्रीलियम्स और फाइनल में, पर अगर आप प्रीलियम्स दे के आप 1 साल बाद फाइनल दोगे तो आपको वापस से पढ़ना पड़ता है। सो दैट्स अ रीज़न, जो गैप होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, विच इज़ स्टेटेड गैप, जो भी लिखा हुआ है, जो पहले से बोला हुआ है वो गैप। सो ये था, अभी वेट करते हैं यहाँ पे, वेट करने के बाद में यहाँ से निकलेंगे और घर पे जाएंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। सुनने में आया है कि 1 दिन का बुखार रहता है, तो भाई झेल लेंगे बुखार, उसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, अच्छे अच्छों को झेला है, बुखार नहीं झेल सकते क्या। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट डोज का, अगर आपको पसंद आया तो मैं सेकंड डोज का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे भी मैं बहुत लेज़ी हो गया हूँ वीडियोस वगैरह बनाने में, आई नो मैं बहुत बिजी भी हो गया हूँ दूसरी सब चीज़ों में, तो वक्त नहीं मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आप लोगों को ऐसी दी जाए जहाँ पर आप लोगों की डिटेल शेयर की जाए। अब मैं कुछ लोगों को बता दूँ कि अगर आपको वैक्सीन स्लॉट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है। तो अगर आपको स्पुटनिक का स्लॉट चाहिए, कोविडशील्ड के स्लॉट तो अभी बहुत सारे मिल रहे हैं आपको, बहुत सारे अवेलेबल है। अगर आपको स्पुटनिक का स्लॉट चाहिए तो आपको जो है वेनसडे और फ्राइडे और मंडे आपको 4 बजे बैठना है, तो आपको कोकिला बिन का जो स्लॉट्स है वो डालते हैं 4 बजे, तो आपको जो है वो स्लॉट्स वहाँ पे मिल सकता है नेक्स्ट डे के लिए, मतलब ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे के लिए। मुझे ये इन्फॉर्मेशन कल पता चली और कल मैं ऑलरेडी बुक कर चुका था, अदरवाइज़ मैं इतना दूर ट्रैवल नहीं करता। और वोखार हॉस्पिटल में बेसिकली मुंबई सेंट्रल में यहाँ पे थोड़े अच्छे लोग हैं, बट पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पे लाइंस वगैरह लगाना है मेरे को पसंद नहीं आया, ऐसा एक्चुअली इतना नहीं होना चाहिए जब आप ऑलरेडी जा रहे हो तो। बट ठीक है, पेमेंट के लिए लाइन था, उसके अलावा कोई लाइन नहीं था, इट टुक्स अराउंड 15 मिनट्स इन अ लाइन, ठीक है, इट्स ओके, नो इशू, चलता है। पर इंडिया है, पेमेंट वगैरह तो यार कोई ऐसी चीज़ के लिए लाइन लगाए तो समझ में भी आता है, जैसा अगर वेटिंग टाइम है, डॉक्टर अगर इंजेक्शन दे रहा है तो समझ में आता है, बट आई हैव टू वेट फॉर लाइन फॉर पेमेंट, साला पेमेंट तो तुम ऑनलाइन ले लो, है ना, एक लिंक दे दो, कैश दे दो, कुछ भी मतलब कर सकते हो ना, पेमेंट के लिए इतना टाइम नहीं होना चाहिए। सो वो एक पॉइंट था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, दैट्स इट। उसके अलावा आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, डोज भी अच्छे गए एंड एवरीथिंग, वो प्रॉब्लम नहीं हुआ कुछ भी ऐसा, थोड़ा सा पेन हुआ कि आदत नहीं है इंजेक्शन की, बट या दैट्स ओके, अभी बन जाएगी आहिस्ते आहिस्ते, दूसरा डोज भी तो जल्दी आने वाला है, सो हो जाएगा कहीं ना कहीं। सो ये था एक्सपीरियंस, आप लोग भी जल्दी से वैक्सीनेटेड हो जाओ और फिर मिलते हैं बाहर घूमते हैं, जैसे ही 2 डोज हो जाएंगे वैक्सीन के फिर आपको वीडियोज़ भी मिलने लग जाएगी शायद, है ना, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कौन सा डोज लिया है, आप कौन सी वैक्सीन लेना चाहते हैं और आपके हिसाब से स्पुटनिक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ एंटी नेशनल कमेंट मत करो, ओके, स्पुटनिक गवर्नमेंट ने ही अप्रूव किया है, ठीक है, कोविन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ओके। सो आप लोगों का ये नया रहता है लोगों का कि अगर आपने इंडिया के बाहर की वैक्सीन ली है तो आप ये है नॉन, ओके, अभी फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना सब आने वाली है, तो आप कितनों को मना करेंगे क्या पता। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जब तक के लिए बाय, गुड बाय, और हाँ, स्टे सेफ और मास्क नहीं भूलिए, जहाँ भी जाइए मास्क लेके जाइए, चलिए बाय।